नमस्कार मित्रों, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं जिनके निवारण जो है ज्योतिष में बहुत कुछ होता है। आज पंडित जी उसी के बारे में आपको कुछ बताएंगे। तो पंडित जी बताओ कि ये जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं ज्योतिष में, उसके लिए क्या हल है? नमस्कार मित्रों, मैं पंडित आकाश भारद्वाज हरिहर रतन इम्पोरियम से आज आपको ज्योतिष की एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूं, जिससे जीवन में जिसके व्यक्ति के उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी उसको परेशानी होती है, उसको वो कैसे हल कर पाए, उसके लिए हमने एक ये चार्ट बनाया है। व्यक्ति के जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के हमारे को अगर दे दिया जाए तो हम उसकी एक छोटी सी कुंडली बना लेते हैं। उस कुंडली के अनुसार हम उसको ये बताते हैं कि इस समय में आपके कौन से ग्रह की दशा, कौन से ग्रह की अंतरदशा चल रही है, या योगिनी दशा में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी जुड़ने से आपको परेशानी आ रही है, कोई बीमारी आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, जिसका हम निवारण उस ग्रह से संबंधित दान से, उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ से, उस जैसे संबंधित हवन से आपको दे सकते हैं, या स्त्रोत पाठ से आपको उसका हल दे सकते हैं। अब ये मैं आपको ज्योतिष का एक हिसाब बताता हूं। ये एक हमने एक कुंडली बनाई है, इसको कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली में पहले नंबर पे मेष राशि होती है। ये मेष राशि है, मंगल इसके स्वामी है। इस मेष राशि से व्यक्ति के स्वास्थ्य का, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का, उस व्यक्ति के शरीर का, उस व्यक्ति के यश कीर्ति का हम विचार करते हैं। ये अगर देखेंगे, पहला खाना है, आप एक नंबर देख रहे हैं जहां मंगल बैठे हुए हैं। ये गोचर में बना हुआ है सब कुछ। इस वक्त जो ग्रहों का गोचर चल रहा है इस समय में, उस समय में ये ग्रह यही है पर बैठे हुए हैं। इसमें आप देखेंगे एक नंबर पे मेष राशि होती है, मंगल स्वामी है, वो बैठे हैं। इससे हम व्यक्ति के स्वास्थ्य का विचार करते हैं, उसके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो उसके यश कीर्ति का विचार करते हैं। अब उसके बाद ये दूसरा हाउस होता है, सेकेंड हाउस, द्वितीय भाव बोलते हैं इसको। इसमें देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। दो नंबर राशि में देवगुरु बृहस्पति शत्रु राशि के होते हैं। इस दो नंबर से, द्वितीय भाव से हम विचार करते हैं व्यक्ति के कुटुंब का, व्यक्ति के फेस का, उसके दांतों का, उसके स्वाद का, उसकी संचय का, जो उसने पैसा कमाया, जो भी पैसा उसके पास आया, वो बैंक बैलेंस, बैंक के अंदर रहे संचित धन, और उसके बाद कि उसको उसके पूर्वजों का, जैसे कई पीढ़ी पहले का माल उसको मिले, माल बोले तो भाई उसकी जमीन जायदाद जो भी मिलना होता है, वो इसी भाव से हम विचार करते हैं। दूसरा, अब हम आते हैं तीसरे भाव पर। तीसरे भाव से हम विचार करेंगे हमारे कंधे का, हम विचार करेंगे हमारे भाई का, हम विचार करेंगे हमारे पराक्रम का, हम कितने पराक्रमी हैं। इस समय में सूर्य जो है मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध देव होते हैं। बुध एक अति शुभ ग्रह है और सूर्य जो मिथुन राशि में एक मित्र राशि का बैठा। अब आते हैं हम चौथे भाव में। चौथे भाव में बैठे हुए हैं, इस वक्त गोचर में है शुक्र और बुध। शुक्र जो है अति शुभ ग्रह है, धन भाव का मालिक है और हमारे वैवाहिक जीवन और आजीविका का मालिक है। अगर तो ये जैसे एक बात बताओ, जैसे जिन जिन जातकों की शादी में दिक्कत आ रही हो तो वो कौन सा भाव और कौन सा स्थान होता है? देखिए ये सातवां भाव है, सेवंथ भाव। यहां से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ भाव। ये सातवें भाव से हम अपनी शादी का विचार करते हैं। शादी में जो अड़चन आती है उसमें क्या होता है कि यहाँ कोई पापी ग्रह बैठा हो और यहाँ का जो मालिक है, अब यहां पर तो सात नंबर राशि है तो शुक्र स्वामी होते हैं। शुक्र को हम देख रहे हैं यहाँ बहुत अच्छी जगह बैठेगा, शादी भी बहुत अच्छी होगी और शादी के बाद उसका घर गाड़ी मकान वाहन बनेगा। वही मैं बता रहा था आपको कि अगर ये शुक्र ये छठे स्थान में बैठ जाए, आठवें स्थान में बैठ जाए, बारहवें स्थान में बैठ जाए, या इसके मालिक के साथ बैठ जाए, या यहां पर कोई राहु केतु शनि बैठ जाए, तो व्यक्ति के जीवन में देरी और अड़चन आनी शुरू हो जाती है। और दूसरी बात, उसकी रोज की आजीविका, क्योंकि तो सातवें भाव से हम पार्टनरशिप का भी विचार करते हैं। जैसे शादी है, शादी भी एक तरीके की पार्टनरशिप होती है, और शादी के अलावा जैसे हमने दो जनों ने, व्यक्तियों ने कोई बड़ी पार्टनरशिप करके और बड़ा बिजनेस करना है, उसका भी हम विचार इसी से करते। अच्छा पंडित जी एक बात बताओ, जैसे कोई आदमी बहुत मेहनत करता है
लेकिन उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। वो कौन सा खाना होता है जिसको हम ठीक करके अपनी मेहनत का फल पा सके? उसके लिए हम देखेंगे कि यहां से अब लाभ आपने कहा है कि उसको प्रॉफिट हो, लाभ हो। लाभ के लिए हम जो स्थान देखते हैं वो 11वां स्थान होता है। 11वां स्थान जो होता है उसको हम लाभ भी बोलते हैं और आयेश भी बोलते हैं, आय भाव कि वो हमारे पास आए। तो उसके लिए हम 11वें भाव का मालिक और 11वें भाव में क्या अड़चन आ रही है उसको देखते हैं कि उसमें किस ग्रह से उसका संबंध बना है। अगर उसको हमने ठीक कर लिया तो हमारे बल्ले बल्ले। दूसरा, अब मैं आपको चौथे भाव से स्टार्ट कर रहा था। चौथे भाव से हम देखते हैं कि हमारा कितना बड़ा घर हो, कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितना बड़ा मकान हो। और चौथे भाव से हम अपनी माता का भी विचार करते हैं। अब चौथे भाव का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा है, चंद्रमा से भी हम माता का विचार करते हैं। तो चौथे भाव का मालिक और चंद्रमा, वहां का कारक ग्रह और वहां का स्वामी, इन दोनों से विचार कर कर ही हम किसी बात का फलादेश कर सकते हैं। इसी स्थिति में आते हैं पांचवे भाव से। जैसे पंडित जी एक बात बताओ, जैसे कोई किसी को दिक्कत हो रही है काम धंधे की, तो कोई रुद्राक्ष या रतन पहन के भी उसका बताते हैं जैसे जो वो, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं आपको पांचवे भाव के मालिक का मामला। पांचवे भाव से हम देखते हैं अपने प्यार का, मतलब मोहब्बत का। पांचवे भाव से देखते हैं हम अपनी संतान का। पांचवे भाव से देखते हैं हम अपने ज्ञान का कि हमारी लिखाई पढ़ाई कैसी है, हम कितनी बड़ी पढ़ाई कर सकते हैं। अब पांचवा भाव का ये मालिक है सूर्य। सूर्य बैठा हुआ तीसरे भाव में। ये एक बहुत अच्छा राजयोग है, बहुत ही सुंदर राजयोग है। इसके लिए अब हम देखेंगे कि गुरु भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, तो व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी। बस इसका दृष्ट जो है वो किसी गलत ग्रह से ना हो, किसी ग्रह से दृष्ट नहीं। अब दूसरा आप देखेंगे शुभ कर्तरी योग है। शुभ कर्तरी क्या होता है कि एक तरफ शुभ ग्रह है, दूसरी तरफ भी शुभ ग्रह, बीच में कोई भी ग्रह आ जाता है उसको शुभ कर्तरी। ऐसे ही अपोजिट अगर लेंगे कि अगर यहां पर कोई शनि राहु केतु मंगल हो और यहां पर भी शनि राहु केतु मंगल कोई भी ग्रह हो और बीच में कोई भी ग्रह बैठ जाए उसको बोलेंगे हम पाप कर्तरी योग। इसी सीरियल में हम आ जाते हैं आगे छठे भाव में। छठा भाव जो होता है हमारा मारक भाव होता है। ये रोग ऋण शत्रु से संबंधित होता है। रोग यानी कि हम बीमारी का विचार करेंगे इसी भाव से, हम अपने शत्रु का कंपटीशन का विचार करेंगे इसी भाव से, फिर हम अपने रोग ऋण, ऋण मतलब कि हमारे ऊपर कितना कर्ज है तो कर्ज का भी विचार हम इसी से करेंगे। अगर कोई पापी ग्रह जैसे कि यहां पर केतु बैठा हुआ है, केतु यहां पर 6 नंबर राशि में कन्या राशि में शत्रु राशि का माना जाता है। केतु और राहु की अपनी कोई राशि नहीं है लेकिन ज्योतिष के हिसाब से जो बताया गया है कि केतु यहां पर शत्रु राशि का है, चंद्रमा उसके साथ है तो ग्रहण योग बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति मानसिक अशांति में रहता है, उसको डिप्रेशन की बीमारी आजकल बहुत चल रही है वो इसी व्यवस्था से होती है। दूसरा हम आ जाते हैं सातवें भाव से। सातवें भाव का मैंने बताया आपको कि वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप का और रोज की आजीविका की, रोज की दिहाड़ी हमारी सिद्धि हो रही है नहीं हो रही है उसका विचार भी हम यहां से करते हैं। तीसरा ये आ जाता है आठवां भाव। आठवां भाव जो होता है ये भी एक दूसरा मारक भाव होता है। मारक भाव क्यों? क्योंकि ये आठवां भाव है मृत्यु का भाव। आठवां भाव है हमारे पूर्वजों की संपत्ति का भाव, यानी कि मरने के बाद संपत्ति हमारे को मिले किसी की मरने के बाद। चौथा एक और इससे विचार किया जा सकता है विदेश का। विदेश का कैसे? एक 40% हम विदेश का विचार करते हैं पानी के रास्ते के द्वारा, क्योंकि ये हमारे पाताल का भी वो स्थान माना जाता है पाताल का। इसी क्रम में आ जाते हैं नवम भाव। नवम भाव जो है हमारे भाग्य का। अब आप जैसे पूछ रहे थे गौरव जी कि नवम भाव जो है आपका भाग्य, अगर हमारा भाग्य हमारे साथ होगा तभी तो हमारे को कुछ मिलेगा। अब इसी बात में बताता हूं कि एक व्यक्ति एक गड्ढा खोद रहा है, वो 50 मीटर तक उसको पानी नहीं मिला और एक व्यक्ति ने गड्ढा खोदा 5 मीटर पे ही पानी मिल गया, इसी को भाग्य का साथ कहते हैं। इसी को कहा जाता है कि भाई आजकल उसका जमाना है कि ऑनलाइन बिजनेस का जमाना है, जैसे इंटरेस्ट का काम होता है या ऑनलाइन जो भी कोई काम होता है उससे भी हम अपने लक को मजबूत किया जाता है। इससे हम विचार हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे धर्म कर्म, वो कितना धर्म कर्म कर पाएगा। और एक बात इसमें मजे की बताता हूं, एक बहुत बढ़िया मिर्ची की, कि जो भी व्यक्ति का
पूजा पाठ में मन नहीं लगता, और जो भी व्यक्ति का पूजा पाठ में मन नहीं लगता और लगता है तो रेगुलर नहीं कर पाता, उसके लिए यहां पर किसी पापी ग्रह का संबंध हो जाए। संबंध बोले तो वो अपनी दृष्टि से उसको संबंध बनाए, वो वहां बैठा हो से संबंध बनाए, या उसका मालिक किसी पापी ग्रह के साथ बैठा और वहां दृष्ट हो तो संबंध बनाए, उसका रेगुलरिटी पूजा पाठ में नहीं होगी। इसी क्रम में आ जाते हैं हम दशम भाव में। दशम भाव से हम क्या विचार करते हैं, अपने घुटने का, अपने पिता का, अपने उच्चाधिकारियों का और अपनी जॉब का, कि आपके कर्म कैसे हैं। अब यहां का मालिक अगर छठे आठवें बारहवें भाव में आ जाता है तो ज्योतिष की लैंग्वेज में हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि उसके कर्म ठीक नहीं है, और अगर ये छठे आठवें बारहवें में पहुंचा तो उसके पैर से संबंधित कोई प्रॉब्लम उसको होगी, उसके पिता से उसकी अनबन होगी, और उसका अपने वर्क में, अपने काम में स्टेबलाइज होना बड़ा मुश्किल होगा। अब जैसे आपने लाभ भाव पूछा था, ये ग्यारहवां भाव एकादश भाव, इसको आयेश भी कहते हैं, लाभेश भी कहते हैं, लाभ भाव। कोई भी काम में हमारे को लाभ मिले उसको इसी विचार से करेंगे। ये खाना, ये जो भाव है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जीवन की, जैसे कि हमारे शरीर के 12 अंग हैं, ये 12 खाने हैं, तो हमारे शरीर को इसी भाव से ही विचार करते हैं। अब यहां से मैंने घुटने का बताया, तो घुटने से नीचे और पिंडली से ऊपर का विचार हम यहां से करेंगे। इस भाव के मालिक शनिदेव हैं। शनिदेव इस वक्त अपनी ही स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी ये वक्री हुए हैं, लंबा समय तक रहेंगे मार्गी होने में, और ये एक राशि में कम से कम 2.5 साल एक ही राशि में गोचर करते हैं। जैसे आपने सुना होगा शनि की ढैया, शनि की 7.5, वो आपको आगे किसी प्रोग्राम में बताएंगे। अब इसी क्रम में आ जाते हैं हम 12वें भाव। 12वें भाव से हम विचार करते हैं अपने विदेश का। 12वें भाव से हम विचार करते हैं अपने बिस्तर के सुख का। 12वें भाव से हम विचार करते हैं कोर्ट कचहरी का, किसी से लफड़े का, क्योंकि कोर्ट कचहरी ये सब मामला हम 12वें भाव से ही देखते हैं। ये हमने आपको गणना बताई है। ये ग्रहों की गणना किस व्यवस्था से होती है उसको देखना होता है। उसको एक ही, ये नहीं कि एक ही चार्ट हमने लग्न कुंडली में देखा। अगर कोई ग्रह खराब है कि हम एक ही चार्ट से उसको फलादेश कर दें, असंभव है जी। ऐसा कोई पाराशर ऋषि इस दुनिया में नहीं होते आज की तारीख में, वो फर्जी वाला होता। हम आपको वैदिक ज्योतिष से बहुत सरल तरीके से, अगर कोई ग्रह खराब होता है तो उसको हम 16 कुंडली 16 वर्ग में चेक करते हैं, उसको कितने नंबर मिले हैं। अब कोई ग्रह अच्छा होता है तो उसको मजबूत करना है, अंश आदि से या किसी से दृश्य उसको मजबूत करना है, उसका रतन पहनाते हैं। अगर वो कहीं गलत भाव में बैठा, गलत के साथ बैठा है, उससे संबंधित हम उसको रुद्राक्ष पहनाते हैं, जो कि हमारे हरिहर रतन इंपोरियम, हमारे स्टोर पे ऐसा रत्न और ऐसा रुद्राक्ष मिलेगा, क्योंकि ये हमारी दुकान जो है 100 वर्ष पुरानी दुकान है। इस सब चीजों में हमारा अनुभव, हमारा ही नहीं, हमारे पिता का, हमारे दादा का, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये काम करते आ रहे हैं, और हमारा खुद का, मेरा 12 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस है। और इसकी वजह से मैं आपके जीवन में जो भी दुख हो, जो भी अड़चन हो, एक बार हमसे संपर्क करें। हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करेंगे, आपको जरूर इसका मामला होगा। आपने शुल्क के लिए पूछा था, शुल्क इसमें आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये एक पुराण के अंदर वर्णन है कि बिना गुरु की दक्षिणा दिए वो आपका काम सफल होगा ही नहीं। तो दक्षिणा में आपको हमने बहुत बड़ा नहीं रखा भाई, हमारे पास स्टोर भी है, दुकान भी है, तो हमारे को थोड़ा समय की बाहुलता रहती है। बहुत लोगों के फोन देश विदेश से आते हैं, आप लोगों का बहुत प्यार और सानिध्य मिलता है, तो जिसकी वजह से हम आपकी मदद में आपको मात्र 251 रुपए में 5-7 दिन, और कोई भाई अर्जेंट की बात हो तो 1100 रुपए में हम कर देते हैं, 500 रुपए में हम कर देते हैं। ये पैसा भी हम किसी अच्छे स्थान में लगाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को फायदा हो और वाकई दुनिया को हो रहा है जी। आपको कोई आवश्यकता हो हमसे संपर्क कीजिए। हर हर महादेव मित्रों, हर हर महादेव।